शहर की पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिहाज से अमृत 2 योजना पर काम की शुरुआत हो चुकी है। करीब 18 महीने में ये योजना पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि शहर में 2040 तक पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिहाज से इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। 11 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना का भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इसके बाद गुरुवार को इस योजना पर फिल्टर प्लांट पर काम की शुरुआत की गई। इस दौरान यहां 6 MLD के फिल्टर प्लांट के निर्माण की शुरुआत विधिवत की गई। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जलकारी एवं सीवरेज विभाग के सभापति प्रकाश जैन, गौरव यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश चौहान, सुभाष रावल, विजय सिंह सिसोदिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपम ठाकुर, सुनील साहनी, रजत साहनी, हरिओम राजावत आदि जन मौजूद रहे। विधिवत एक कार्य का भूमि पूजन करके और आज से इस योजना को मूर्त रूप देने वाले हैं। लगभग 2 साल तक इस योजना पे काम चलेगा और इस योजना पे लगभग 35 किलोमीटर की लाइन हमको मिली है, एक फिल्टर प्लांट मिला है। कुल मिला के शहर के ऐसे सारे हिस्से जो अमृत वन के बाद डेवलप हुए, जैसे वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 25, वार्ड 24, वार्ड 21 और वार्ड 36 का हिस्सा, ये ऐसे वार्ड है जहाँ पर बाद में डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पर हमारी पेयजल सप्लाई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हम अपनी जो 35 किलोमीटर की लाइन मिली है उसका विस्तार करने वाले हैं। साथ ही शहर के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ पर हमारी अमृत वन की पाइपलाइन तो है, नई लाइन से हम पानी तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर प्रेशर का कोई इशू है तो उसको भी इस योजना में हम ठीक करने वाले हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित है, नगर पालिका में स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन मेरे छोटे भाई आदरणीय गौरव जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौहान साहब हमारे वरिष्ठ नेता, मैं हमारे कहाँ पंचोली जी की तरफ था कि काम जल्दी शुरू हो जाए, तो आज हमने एक बहुत छोटे पारिवारिक आयोजन में इसकी शुरुआत की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी इसका भूमि पूजन कर चुके हैं, इसलिए भूमि पूजन की कोई औपचारिकता शेष नहीं है, लेकिन चूंकि आज हम कार्य शुरू कर रहे थे तो माँ भगवती का नाम लेके परमपिता परमेश्वर की आराधना करके काम शुरू किया जाता है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है, हमारी परंपरा है, तो उस काम को हम शुरू कर रहे हैं। और मैं माननीय अध्यक्ष जी सभी साथी जैसा कि अमृत 2 का काफ़ी दिनों से हमने कह रखा था पूरे शहर में कि जैसे ही अमृत 2 हमारी चालू होगी, या अमृत 2 का हम काम चालू करेंगे तो हमारी जो पानी की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी, और लगभग वो समय आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुझे कर गया, तो हम तो केवल आज शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी का समय नज़दीक आने वाला है। उसके बाद जितने दिन ठेकेदार जी यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस काम को अनवरत कंटिन्यू करें और इस काम को जल्दी से जल्दी आप, क्योंकि हमारे नागदा नगर में लगातार कुछ वार्डों का बहुत तेज़ी से विकास और विस्तार हो रहा है, तो वहाँ हमको बहुत जल्दी 35 किलोमीटर लाइन चाहिए, इस काम को आप जल्दी से जल्दी करें। पूरा हमारा नगर पालिका के प्रशासन सहयोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी आपके साथ सहयोग करेंगे, हम सब भी इस काम को मॉनिटरिंग करेंगे, पर आपसे निवेदन है कि इस काम को जल्दी जल्दी करें। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि काम बढ़िया क्वालिटी वाला होना चाहिए ना, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि पानी हमारी मूलभूत सुविधा है और हम चाहते हैं कि नगर की जनता को साफ सुंदर स्वच्छ इस पानी से, क्योंकि बरसात में हमको लगभग परेशानी आती है, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इस फिल्टर प्लांट को चलने से हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। और हमारे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ हमारे नगर के शहरवासियों को पानी नहीं दे पा रहे किसी कारणवश, या प्रेशर वजह से पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो निश्चित ही इससे लगातार हमारे जो नगरवासी उनको सहयोग मिलने वाला है। आप ये आज से हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं, आप इस काम को जल्दी से जल्दी करें और काम क्वालिटी वाला करें, है ना, बस यही निवेदन करना चाहूँगा। आज के इस अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए, इस कार्यक्रम करने में हमारा सहयोग दिया, आप सब कर्मचारी साथी भाइयों का, क्योंकि देखिए पानी मूलभूत समस्या, जहाँ यहाँ जो काम करते हैं कर्मचारी उनसे भी कहना चाहूँगा मैं, है ना, पानी हमारी नगरवासियों को सही साथ मिले, सही क्योंकि हमारा टीपीएस बिल्कुल सही साथ, हम लगातार हमारे जो भी यहाँ देखते हैं हमारी मैडम देखती है इस काम को, तो लगातार हमारे टीपीएस सही साथ है और हम लगातार अच्छा पानी पिलाने की हमारी कोशिश होती है और वो हम कर भी रहे हैं, और इस प्लांट के लगने से और हमारी इस कोशिश में 4 चांद लग जाएंगे। एक बार पुनः मध्य सरकार का और केंद्र की सरकार का ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि लगातार सरकार हमको इस प्रकार के काम करने में नगर नागरिक के हमारे विजय भी प्रयास
प्रयास कर रही है और हम भी जब से हमारी नगर पालिका परिषद बनी है आदरणीय प्रकाश जी के नेतृत्व में पानी वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे गौरव जी के यादव जी के नेतृत्व में स्वच्छता वाला काम लगातार अच्छा चल रहा है। तो हमारी पूरी प्रयास है, हमारी परिषद का पूरा प्रयास है कि नगर को साफ सुथरा स्वच्छ और जैसा हमारे शहरवासी चाहते हैं कि सपनों का शहर बनाने, उसमें हमारे सारे परिषद के साथी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का हमें लगातार सहयोग मिलता रहा है। आज चूँकि विधायक जी बाहर है, भोपाल है, अन्यथा वो भी इस कार्यक्रम में आते, हम महाशिवरात्रि का मेला है तो उस कारण भी हमारे कुछ अतिथि बाहर है, वो सब भी आते हैं, लेकिन चूँकि व्यस्तता कारण नहीं आ पाए, फिर भी उन सबके सहयोग से और उन सबके आशीर्वाद से हमारी नगर पालिका प्रशासन लगातार अच्छा काम कर रही है। एक बार शहरवासियों का भी हमको सहयोग इसमें लगातार मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत साहब एवं माननीय मंच समस्त जनप्रतिनिधि एवं सभी पधारे हमारे पत्रकार बंधु जन मान्य गण नागरिक, मैं नगर पालिका नागदा की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।